इंडिया गठबंधन को लेकर इस समय से राजनीतिक हलचल लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। जिस तरीके से अजय राय और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इन लोगों की बातें लगातार मीडिया में प्रभावित कर रही हैं, आम लोग तो क्या को सोचते हैं, लेकिन नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह हैं और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, क्या कुछ इसमें नया बदलाव होगा, क्या कुछ और होंगे, क्योंकि जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव है उसको लेकर अभी तक घमासान मचा हुआ है। शशि प्रताप जी, ये बताइए कि जिस तरीके से अखिलेश यादव अजय राय पे कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि इस तरीके से अगर कटाक्ष होगा तो इंडिया गठबंधन में गांठ पड़ जाएगी या कमज़ोर पड़ जाएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन में कोई गांठ नहीं है, इंडिया हमेशा जीता है और हमेशा जीतता रहेगा। और आपने चक दे इंडिया सुना ही है, और जहाँ तक माननीय अखिलेश यादव जी का सवाल है, तो इंडिया गठबंधन का सबसे मजबूत दल है वो, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट भी है, भारत का सबसे बड़ा प्रांत भी है। तो मुझे ये लगता है कि लंगूर को अंगूर जब नहीं मिलता है तो ऐसे ही विचलित होकर वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है कि अंगूर खट्टा है, नहीं बोलना चाहिए। और माननीय अखिलेश यादव जी ने तो साफ तौर पर कहा है कि हमारी और उनकी मध्य प्रदेश को लेके, राजस्थान को लेके, छत्तीसगढ़ को लेके, मध्य प्रदेश के जो नेता हैं उन लोगों से बातचीत हुई थी, उन लोगों ने आश्वासन भी दिया था, और आश्वासन के बाद या भीतरघात या धोखेबाजी वाली काम की शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी ने ही किया ना, अखिलेश यादव जी ने किया नहीं। अगर आपको नहीं लड़ना था या आपको प्रांतीय चुनाव में गठबंधन नहीं रखना था तो यह इंडिया गठबंधन के भीतर ही बात हो जानी चाहिए थी कि हम लोग का गठबंधन केवल लोकसभा के लिए हो रहा है, विधानसभा के लिए नहीं हो रहा है। भाई, गठबंधन का मतलब विधानसभा लोकसभा नहीं होता, गठबंधन मतलब गठबंधन, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, ये गठबंधन का मतलब होता है। और आप उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के लोगों को बुलाकर और कहते हैं कि 7 सीट 8 सीट आपकी जीतने वाली सीट है, वहाँ हम लोग सीट देंगे, उसके बाद भी सीट नहीं देते, वहाँ प्रत्याशी उतार देते हैं। तो ये गलती, इसको कहिए या धोखेबाजी कहिए या अहंकार कहिए, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ है। आज भी माननीय अखिलेश यादव जी उस गठबंधन को चलाने का, बागडोर संभालने का नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन आपस में छल कपट और एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम अगर कांग्रेस पार्टी बंद कर दे, और कांग्रेस पार्टी के जो नेता बोल रहे हैं मध्य प्रदेश में हो या उत्तर प्रदेश में हो या राजस्थान में हो या छत्तीसगढ़ में हो, उन लोगों का कद अखिलेश यादव जी पर उंगली उठाने लायक नहीं है। अभी एक जन्म, दो जन्म, कई जन्म लेना पड़ेगा अखिलेश यादव बनने में। आप भी इस बात को बढ़िया से जानते हैं, हम भी इस बात को जानते हैं। अगर मैं कह दूं कि मैं तो अखिलेश यादव जी के साथ उठता हूं, बैठता हूं, मिलता हूं, बतियाता हूं, मैं अखिलेश यादव हो गया, तो यही ना हुआ ये बात कि एक लंगूर अंगूर पाने के लिए चढ़ रहा है, जब पहुँच नहीं पाता तो कह रहा है खट्टा है। तो ये लंगूर बनने के काम लोग ना करें, उनका राष्ट्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व का इसमें अपमान हो रहा है कांग्रेस के, कि हमारा जब राष्ट्रीय नेतृत्व इंडिया गठबंधन बना, उसमें कई कमेटी बनी कि कौन व्यक्ति किस मुद्दे पर बात करेगा, उसके बाद आप उसमें कूद जा रहे हैं और कूद कर अपनी वाहवाही कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे कि अनुशासन ही नहीं है कांग्रेस पार्टी में, कि कांग्रेस पार्टी में अनुशासन नहीं है कि कोई भी कुछ बोल दे रहा है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी बिखर रही है ना। अगर वहाँ अनुशासन हो कि नहीं, इस बात को यही व्यक्ति करेगा, इस बात को यही व्यक्ति करेगा, मेहनत सब लोग करें, संगठन सब लोग बनावे, लेकिन कहाँ क्या बोलना है, इसकी ट्रेनिंग कांग्रेस पार्टी के को अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को देना चाहिए। ठीक है, आप जो चीज़ बताएं, लेकिन जिस तरीके से गठबंधन को लगता है और इस समय सत्ता में बैठे लोग भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, छोटे चाहे बड़े, अब ये कह रहे हैं कि जो गठबंधन है दिखावे के लिए बना था, आने वाले 24 तक ये सब चीज़ बिखर जाएगा। देखिए,
वो जो कह रहे हैं लोग, भाजपा के हमारे नेता लोग, इतिहास गवाह है कि अकेले दम पर कहीं वो लोग टिके नहीं हैं। हमेशा उन लोगों ने बैसाखी का सहारा लिया है। आज उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, 3-4 पार्टियों से उनका गठबंधन है और तीनों चारों पार्टियां इतना बुरा बुरा उनको बोलती रही है विगत दिनों, गठबंधन में रहते हुए भी, गठबंधन से बाहर होने के बाद और फिर गठबंधन में जाने के बाद, उसके बावजूद भी वो लोग उसको गठबंधन में मान रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन एक अलग चीज़ है। इन लोगों को केवल जलन है कि इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया क्यों रख दिया गया, बाकी और कोई जलन नहीं है। और इंडिया गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यह गठबंधन 2024 में देखिएगा एक साथ रहकर चुनाव लड़ेगा। हाँ, ये लोग प्रयास कर रहे हैं जरूर कि यह तितिर बितिर हो जाए, उससे माननीय अखिलेश यादव के सेहत पर फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि अब माननीय अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन बनने के पहले PDA बनाया था। आप लोग को मालूम होगा, पिछड़ा, दलित, अगरा, अल्पसंख्यक, आदिवासी, PDA का मतलब यही है। बहुत लोग बहुत तरह की बात करते हैं, लेकिन मैं नेशनल इक्वल पार्टी के एक अध्यक्ष होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि PDA का मतलब है पिछड़ा, दलित, अगरा, अल्पसंख्यक और आदिवासी। ये PDA तो पहले ही बना चुके हैं, इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, ना समाजवादी पार्टी के सेहत पर फर्क पड़ना है। और जब शशि प्रताप सिंह PDA के साथ है, माननीय अखिलेश यादव के साथ है, तो क्या फर्क पड़ना है। हम तो जिसके जिसके साथ रहे हैं वही आगे बढ़ा है। आप लोगों ने देखा इसी पूर्वांचल में कि मैं जिसके साथ 17 साल रहा उसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया। अब उसका वहाँ से मोह, उनका मोह हमसे भंग हो गया, क्योंकि उनके अंदर अहंकार हो गया, तो मुझे बाहर होना पड़ा। अब मैं अखिलेश यादव जी के साथ हूँ, देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आज। ठीक है, तो आप शशि प्रताप सिंह राष्ट्रीय इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातें सुन रहे थे। कांग्रेस के नेता जो बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको विराम देना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के जो बातें जब सामने आती है तो लोगों के अंदर एक भ्रांतियां फैल जाती हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।